शहीद भगत सिंह की याद में निकली विशाल रैली, उमड़ा जनसैलाब, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों की गूंज। जी हां, आपको बता दें कि 19 मार्च रविवार की शाम को बीजेपी नेता व भगत सिंह विचार मंच के अध्यक्ष सरबजीत सिंह संधू जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा एवं रैली का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इस रैली की शुरुआत अंधेरी पूर्व के चिम्मतपाड़ा स्थित दशमेश दरबार गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर अंधेरी कुर्ला रोड मरोल नाका से होते हुए पुनः दशमेश दरबार गुरुद्वारा पर संबोधन व वंदे मातरम गान के बाद समाप्ति की गई। बता दें कि इस रैली में समाज के बेहद प्रतिष्ठित गणमान्य और नागरिकों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत समाज सेवक नेतागण शामिल हुए थे। हिंदुस्तान में भगत सिंह लोगों के दिलों में बसते हैं और सभी के वे प्रेरणा स्रोत हैं। भगत सिंह का नाम लेते ही एक जज्बा देश के प्रति सेवा करने का लोगों के दिलों दिमाग में आता है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारियों का हमें नित्य समय रहे इस विचार को युवाओं तक ले जाने का यह एक छोटा सा प्रयास है, ऐसा संस्था के अध्यक्ष श्री सरबजीत सिंह संधू जी का कहना है। भगत सिंह ने कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। इन्हीं पंक्तियों को याद कर आज लोग भगत सिंह से बेहद प्रेरित होते हैं और देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोगों को हम हमेशा याद करते हैं और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है भगत सिंह के प्रति। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज चैनल। बता दें कि आज अंधेरी पूर्व में भगत सिंह की याद में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ सरबजीत सिंह हैं, उन्होंने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और जिस रैली में मैं देख रहा था कि लोग भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो हम सर जानना चाहेंगे कि ये रैली आज कहाँ से, इसकी रैली की शुरुआत की गई और कौन कौन कहाँ से लोग शामिल हुए और क्या कुछ इस रैली का मार्गदर्शन था, उसके बारे में बताइए। देखिए, गत 2016 से हमने ये रैली का आयोजन शुरू किया था, जो कि 2016 से लेकर 2019 तक लगातार हम ये रैली करते रहे। हर वर्ष हम इसका रूट बदली कर देते हैं। पहले साल हमने जब इसका रैली का आयोजन किया था, तो हम यहाँ से बांद्रा रिक्लेमेशन तक गए थे, जहाँ की आशीष शेलार जी ने वहाँ पर इसका सब व्यवस्था की थी। तो और वहाँ पर जो तिरंगा झंडा है हमारा, उसके नीचे हमने उसको समापन किया था। वैसे ही गत वर्ष हम इसको चेंज कर देते हैं। फिर शिवाजी जो स्टैचू है एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर भी हमने समापन किया। ऐसे हर साल हम रूट चेंज करते हैं। इस बार कोविड काल के बाद, कोविड में 2020 में हमने ये रैली का आयोजन, सर लगभग पूरी तैयारियाँ हो गई थी, आपको पता ही है कि लॉकडाउन होने के कारण वो हमको स्थगित ही करनी पड़ी। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो हमने लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी थी, तभी लंगर सेवा शुरू कर दी थी। और उसके बाद 3 महीने तक हम लंगर की सेवा करते रहे, लोगों को रोज 5,000 लोगों का खाना बनता था और यहाँ से बंटता रहा शहीद भगत सिंह विचार मंच के माध्यम से। बस यही है कि लोगों में देशभक्ति का जोत जलाने की कोशिश करते रहते हैं। और शहीद भगत सिंह जी भी संधू थे, भगत सिंह संधू उनका सरनेम है। संधू सरनेम शायद किसी को पता नहीं है, और वही संधू मैं हूँ। तो बस वही थोड़ा सा इनकलाब का नारा है, थोड़ी सी चिंगारी हमारे में भी है और कुछ नहीं। रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और लोगों के पास भगवा रंग है, जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, मतलब एक जैन सैलाब है जो कुछ कहना चाहती है। तो ये कौन लोग थे, मतलब सब स्थानीय लोग थे कि कहीं दूर दराज से भी लोग आए थे? नहीं, सभी यहाँ अंधेरी के निवासी हैं और अंधेरी में हमने सबको विनंती की थी इस रैली से जुड़ने के लिए। उसी प्रकार से जो देशभक्त नागरिक थे सभी, वो इस रैली में सम्मिलित हुए और इस इनकलाब के नारे को बुलंद किया। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है, उनका क्या कुछ सहयोग रहा? जो स्थानीय लोग हैं, जिस रोड सड़क से आप मैपिंग के हिसाब से गुजरे, तो कितना कुछ लोगों का सहयोग रहा ट्रैफिक पुलिस, उनको उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। और हमारे वॉलंटियर्स भी हमने पुलिस के साथ दिए हुए थे, जो कि पूरा ट्रैफिक पूरा मेंटेन कर रहे थे। और हर साल की तरह पूर्ण शांति तरीके से ये रैली का समापन हुआ। और इस बात के लिए मुझे
मुझे भी बहुत खुशी है और मैं स्थानीय प्रशासन का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने देखा कि हिंदुत्व का जो नारा है हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जय श्री राम के गानों पे लोगों ने नृत्य भी किया और यहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के भी लोग आए थे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनका कितना सहयोग रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो परिवार तो ज़रूर आशीर्वाद देता है, तो परिवार के लोग सभी साथ में रहते हैं और आके आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें खुशी की बात है। ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे और हम ऐसे ही हर साल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे क्रांतिकारियों को याद करते रहे और सभी में इनकलाब की जोत जलाते रहें, बस यही है मेरी इच्छा है और यही मेरा कहना है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लाइनें बताएं जो भगत सिंह के लिए लोग बोलते हैं कि हमारे इतिहास में जो चीज़ें नहीं दर्ज थी, नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, उनके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, लोगों को एक मैसेज देना चाहें, एक एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप अपने लोगों को, तो कुछ कह सकते हैं? देखिए, एक छोटी सी उम्र में भगत सिंह जी ने, इस राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने अपने जान का बलिदान दिया इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, तो बस वही हमारे लिए प्रेरणा है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। इस साल जितनी संख्या थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साल इससे डबल संख्या रहेगी और पूरे उत्साह के साथ हम ये शहीद दिन मनाते रहेंगे। हमने देखा कि जो आप बीजेपी के दौर नेता हैं, यहाँ से कार्यकर्ता भी बड़ी बहुत आए दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लोगों के बीच जाना, उठना, बैठना, तो जो यहाँ की स्थानीय जनता है उनकी क्या कुछ पीड़ा है जो कि अभी जो मौजूदा सरकार थी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उसके अलावा मतलब यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं जो कमियाँ रह गई, क्योंकि आगे आगामी मनपा चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है आपके तरफ से, ज़रा बताएँ। देखिए, जो कमियां रह गई थी वो पिछली सरकार के साथ चली गई। अभी हमारे देवेंद्र जी और हमारे एकनाथ शिंदे जी की सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार में कमी कोई नहीं रहने वाली और पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और महाराष्ट्र को बहुत आगे पथ पर लेकर जाएंगे। मनपा चुनाव में आपका क्या कुछ योगदान रहेगा, अगर आपको यहाँ से कोई मतलब कि आपको टिकट मिलता है, आपको कोई जिम्मेदारी देती है आपकी पार्टी, तो आप कितना उसका निर्वहन करने वाले? पार्टी जो भी जवाबदारी देगी उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम भगत सिंह को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई, उनके याद में रैली निकाली गई और लोग बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हुए। एक मार्गदर्शक हैं भगत सिंह सबके लिए, लोगों के दिल में वो बसते हैं। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, द पी सी एन न्यूज, मुंबई।